नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें 8 शाखाओं के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, आज की क्लास में हम जो बच गई है शाखा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें नंबर 1 शाखा, या उसी को कंटिन्यू करते हैं, हमने पिछली क्लास में 8 शाखाओं के बारे में पढ़ा था। तो नंबर 9 शाखा है कारिकी, नंबर 9 शाखा है कारिकी। इसके अंतर्गत हम लिखे, मेरे साथ में नोट करते हुए चलेगा, नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं नोट्स बनाते हुए ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में, जिसके अंतर्गत सजीवों में संचालित जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में संचालित विभिन्न जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। आई होप बात क्लियर होगी। जैसे उदाहरण देख लो आप, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि। तो यहाँ पर बात समझने की यह है कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में जो संचालित हैं विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम जो होते हैं, वो सजीवों में संचालित होते हैं, उन्हें हम कारिकी कहते हैं। बात क्लियर होगी। सजीवों में जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सभी जैव प्रक्रम में संचालित जैव प्रक्रम ही हैं, जीवों में संचालित जैव प्रक्रम ही है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 है बोणी की। इसके अंतर्गत युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज निर्माण तथा भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज तथा भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण का मतलब होता है ओवेरी।
जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम युग्मक निर्माण किस प्रकार से होता है, निषेचन क्रिया क्या है और किस प्रकार से होती है, युग्मनज किस प्रकार से बनता है और हम भ्रूण का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम भौणिकी में पढ़ते हैं। और भौणिकी आपको BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको बात क्लियर होगी कि युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण का, ओवरी का जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो हम उसका अध्ययन जो करते हैं वो हम भौणिकी शाखा में करते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगली हम शाखा के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर 11 पर आती है वर्गी की, टैक्सोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वर्गी की जो शाखा है, वर्गी की, इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो जीवों का क्लासिफिकेशन करेंगे इस शाखा में, जीवों का वर्गीकरण करेंगे इस शाखा में, तो उनका जो वर्गीकरण जो होता है वो समानता व विविधता के आधार पर हम वर्गीकरण इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। तो देखिए लिखते हैं हम कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में समानता व विविधता के आधार पर वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि उसमें हम वर्गीकी में हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम उसको समानता और विविधता के आधार पर बांटेंगे और फिर उसका वर्गीकरण होगा दो प्रकार से, समानता और विविधता के आधार पर। और फिर हम इस शाखा में बात करेंगे तो इनके रिलेटिव जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा आती है नंबर 12 पारिस्थितिकी, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या होता है कि यदि हम मान लीजिए कोई हम बाहर से पौधा लाए और वो पौधा अगर यहाँ के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है तो हम उसी के अंतर्गत या अंतर संबंधों का इस शाखा में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की या सजीवों तथा इनके चारों तरफ वायुमंडल के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है
अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर होगी? अभी मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया आपको कि ऐसी शाखा जिसमें हम कोई सजीव है या जीव है जो इस वायुमंडल से रिलेटिव या मिलता जुलता या अनुकूलित नहीं है, तो हम उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वो हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शाखा में बात करेंगे इसके बारे में। अगली शाखा है उद्विकास, जिसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। उद्विकास लिखेगा इसमें जीव विज्ञान की महाशाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के बाद हुए परिवर्तन व विकास डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। देखिए इस शाखा में क्या होता है कि किसी जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसकी उत्पत्ति के बाद में परिवर्तन और विकास क्या क्या हुए, डेवलपमेंट और चेंजेस, नेचुरल चेंजेस या प्रकृति परिवर्तन कह सकते हैं हम, तो इसके बाद जो परिवर्तन या विकास का जो अध्ययन करते हैं वो हम उद्विकास शाखा के अंतर्गत कहते हैं। अगली शाखा है कीट विज्ञान, आप सभी जानते हो इसके बारे में। कीट विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर होगी कि ऐसी शाखा जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं, कीटों के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को हम कीट विज्ञान कहते हैं। अगली शाखा है जीवाश्म विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विलुप्त जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जीवाश्म विज्ञान के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम नंबर 16 शाखा के बारे में बात करते हैं, जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म विज्ञान के बारे में आपने समझ लिया कि
कि हम इसमें विलुप्त जीवों के जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं उन्हीं को उनका अध्ययन इस शाखा में करते हैं। अब जीवांश पदार्थ क्या होता है? जीवांश पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो, जैसे कि आप पेड़ पौधों की पत्तियां ले लीजिए, टहनी मान लीजिए, और जानवरों के अवशेष, जानवरों के मरने के बाद में जो हड्डियां और बाकी जो अवशेष बचते हैं उन्हें जीवांश पदार्थ कहा जाता है। आई होप बात आपको क्लियर होगी। जीवांश विज्ञान जिसमें हम उन पदार्थों की व्याख्या करते हैं या अध्ययन करते हैं, और जीवांश पदार्थ जो सड़े गड़े पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, और जो पशुओं के मरने के बाद में बचे हुए जो हड्डियां या अन्य अवशेष जो बचते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी टहनियां सूखने के बाद में, वो सभी जीवांश पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 16, रोग विज्ञान। नंबर 16 शाखा है रोग विज्ञान। इसमें लिखना है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रोगों रोगकारकों तथा लक्षणों का विभिन्न रोगों रोगकारकों तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा को रोग विज्ञान कहते हैं। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम रोगों के बारे में पढ़ते हैं, रोगों के रोग कारक कौन कौन से हैं और उनसे रोगों से होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, तो हम इन चीज़ों या इन तीनों पॉइंट के बारे में जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को रोग विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि रोगकारक, पैथोजन, लक्षण, सिम्टम्स, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इस शाखा को रोग विज्ञान कहते हैं। अगला देखिए, नंबर 17 शाखा है परजीवी विज्ञान। परजीवी के बारे में आप सभी जानते हो, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के परजीवों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के परजीवों का अध्ययन किया किया जाता है, इस शाखा को परजीवी विज्ञान कहते हैं। परजीवी से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है, या हम उसके बारे में कुछ सीखते हैं, तो वो किस शाखा में हमें पढ़ने को मिलता है, तो परजीवी विज्ञान शाखा के अंतर्गत हमें ये सब बातें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। अगली शाखा है 18। अगली शाखा है 18,
इसका नाम है मत्स्य विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मत्स्य वर्ग का अध्ययन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मत्स्य का वर्ग का अध्ययन मतलब मछलियों का, नहीं ये गलत है। यहां पर मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत हम पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उन सभी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। मत्स्य विज्ञान में हम पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उन सभी का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है मत्स्य विज्ञान में। अगला है सूत्रकर्मी विज्ञान। इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों तथा इनका मानव कल्याण के महत्व का अध्ययन किया जाता है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, प्लस हम मानव कल्याण के महत्व मानव कल्याण जो मनुष्य हैं इनके कल्याण में इन जीवों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसका अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है जैव प्रौद्योगिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव महत्व व सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है जैव भूगोल। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमंडल के
विभिन्न रोगों सॉरी भूमंडल के विभिन्न भागों भागों में जीवों के वितरण विभिन्न भागों में जीवों के वितरण तथा उनको प्रभावित करने वाले